मैं ईवीएम के बारे में मेरे विचार भी जानते हैं। मैं कहता हूं कि ये रेजिम जो है सिर्फ झूठ पर खड़ी है, तो वो ईवीएम को क्या पपी लेंगे, किस करेंगे, वो ईवीएम को मैनेज करेंगे। यदि ईवीएम मैनेज करेंगे तो 2024 में हम सब साफ हो जाएंगे। जो भी है चाहता हूं वो भी आप बता देना। नहीं, वो अभी नहीं बोलना है, हम तो पहले वो प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो मैं ये एक ही बोलता हूँ कि इस लड़ाई में मैं मरने को तैयार हूँ, क्या करना है हम बाद में बताएंगे। चल जरूरत भी यही है। थैंक यू सर। भानु जी जो भी बाद में एड्रेस करें वही बैठता रहे। ठीक है, तो सर को जाना है इसलिए अपनी बात वो पहले रख गए। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में आपको आपको भी निकलना, महमूद भाई अपनी बात रखेंगे, देन उसके बाद में हमारे बाकी साथी जो है अपनी बात रखेंगे। साथियों, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के कल हम सब मेंबर्स जो हैं, 6 जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, कल हम अपनी बात रख चुके हैं। आज हमारे सम्मानित जो लोग आए हैं, जिनको हम सब बहुत ही इज्जत की नज़र से और इंस्पिरेशन लेने के लिए देखते हैं, आज हम लोग चाहेंगे कि ये लोग बोलें, हम लोग इनकी बात बैठ के सुने और जो ये दिशा निर्देश हमें दिखाएं उनके पीछे रह के और लड़ाई को हम आगे बढ़ाएं, इनसे हम दिशा निर्देश लें। ये सब सीनियर लोग हैं, ये हमें बताएं हमें क्या करना है। हम लोग सड़क पे लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे, हारने का सवाल ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने दिल में ये बात ना रखे, सवाल भी ना सोचे, कोई शक शुबा ना रखे कि इस बार इलेक्शन और उसके बाद हर बार इलेक्शन सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे, कोई सवाल नहीं उठता। कोई ताकत इस दुनिया की ईवीएम से इलेक्शन नहीं करा सकती। ये बात मैं सिर्फ एक बुनियाद पे बोल रहा हूं कि हमें दिन रात देश की जनता फोन कर, मैंने कल भी ये बात बोली है, फोन कर करके बोली है, बोल रही है कि अगर आप लोग भी पीछे हट गए तो आप भी देश के गद्दार हो गए अगर ईवीएम से आपने चुनाव